खूनी खेल बसंत के हवाले से जिसे रोकने के पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। खूनी खेल ना रुक सका जबकि रवा माह कातिल डोर फिरने से नौ शहरी जख्मी हुए और वजीर आला के बाद सीसीपीओ लाहौर ने भी इसका नोटिस ले लिया। मजीद बात करेंगे मुजाहिद शेख से। मुजाहिद शेख साहब, ये बताइएगा कि अब इससे पहले कई मरतबा नोटिस लिए गए लेकिन इन नोटिस की वजह से आवाम की जिंदगी जो है वो महफूज नहीं है। दुरुस्त कहा, जो खूनी खेल है और जो कातिल डोर है उसके वार जो है इस माह में नौ मरतबा चले हैं जिससे नौ शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक बच्चा पतंग पकड़ते हुए करंट लगने से जहां बाग हुआ। और गुज़श्ता रोज जो इतवार का रोज था उसके दौरान भी लाहौर शहर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा और तीन शहरी जो है वो जख्मी हुए। शुमाली छोनी, वादत कलोनी और शाहदरा के इलाके में डोर फिरने से नौजवान जो हैं वो तीन जख्मी हुए। इस पर वजीर अला पंजाब जो सरदार उस्मान बुजार हैं उन्होंने नोटिस लिया, तो उसके बाद सीसीपीओ लाहौर जो है बी ए नासिर उन्होंने भी जो है वो नोटिस लिया और इसके मुतालिक जो है अहकाम जारी किए। लेकिन कल के और इस माह के दौरान जितने भी वाकयात हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किसी किस्म की पुलिस के खिलाफ जो है या SHO के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है, जिसकी वजह यह है कि तमाम SHO को ये तासुर मिलता है कि सजा जो है उन्हें नहीं मिलती, इसलिए वो पतंगबाजी के जैसे खूनी खेल को होने में नरमी का इस्तेमाल करते हैं। जी